हमारा जो भटूरा है हल्का सा दबा देंगे। ये देखिए एकदम गुब्बारे जैसा हमारा भटूरा फूल गया है। बहुत ही आसानी से हम घर पे बना सकते हैं। सारे देशवासी ने प्यार भरा बड्डा ने प्यार भरी प्रणाम छोटा ने प्यार भरा राम राम। मैं अंजू मलिक फिर से एक बार अपनी हरियाणवी देसी रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। और जी आज मैं आप देखते ही समझ गए होंगे मैं अपने देसी अंदाज में एकदम आसान तरीके से भटूरे की रेसिपी आप लोगों के आज शेयर करूंगी। पिंडी छोले की मेरी रेसिपी पहले ही चैनल पे पड़ी हुई है और ये देखिए हमारे भटूरे कितने गजब बने हुए हैं, एकदम गुब्बारे की तरह फूले फूले और वही रंग वही साइज। और मैं आपको इसको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अंदर से कितने जबरदस्त बने हैं, लाजवाब। बहुत ही आसान तरीके से हम घर पे ये छोले भटूरे की रेसिपी बना सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरी पूरी वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूले और शेयर भी करें अपने फैमिली और दोस्तों के साथ। और कुछ नया तरीका है तो मुझे भी बताइए ताकि कुछ मैं भी नया सीखूं। और आप भी बनाइए, दिल से बनाइए, बहुत बढ़िया बनेंगे। तो शुरू करते हैं इस लाजवाब रेसिपी को। भगवान भाइयों जो आज मैं ये भटूरे बना रही हूँ एकदम आसान तरीके से मार्केट जैसे भटूरे हम घर पे बनाएंगे आज। इसके लिए हम सबसे पहले आटा लगाएंगे, सबसे मेन होता है ये। तो आटा लगाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले 2 कप मैदा, ये 200 ग्राम के करीब मैदा है, 2 चम्मच सूजी। अगर 1 कप मैदा है तो उसके लिए आपको चाहिए 2 चम्मच सूजी, 2 चम्मच तेल, रिफाइंड ऑयल लिया मैंने, आप चाहे तो देसी घी या बटर भी डाल सकते हैं, और स्वाद अनुसार नमक 1/4 चम्मच लिया मैंने, और ये मैंने लिया 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आप चाहे तो इसमें मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, और खाने वाला सोडा जिसको हम बोलते हैं वो 1/4 चम्मच डालें। और ये मैंने लिए 1 चम्मच चीनी, इससे जो हमारे भटूरों का रंग है बहुत कसूता होगा जी, एकदम अच्छा कलर आएगा। और 2 चम्मच दही, और मैंने 1 कप के करीब पानी लिया है आटा लगाने के लिए। अगर आप सर्दी में बना रहे हैं तो पानी को थोड़ा गुनगुना कर ले, मैंने नॉर्मल पानी लिया है। अब सबसे पहले मैं एक भगोना लेती हूँ, और जी ये मैंने इस तरीके से एक चौड़ा सा पतीला ले लिया, आप चाहे तो परात ले सकते हैं। और ये मैंने इसमें मेरा मैदा डाल लिया है। अब इसके अंदर एक कुआं सा बना लेते हैं, ऐसे जग ऐसे बना लेते हैं, और इसमें हम अपनी सूजी, चीनी, नमक, बेकिंग पाउडर, ध्यान रहे आप मीठा सोडा डालते हैं तो 1/4 चम्मच के करीब डालें, और 2 चम्मच ये तेल, और तेल भी ध्यान से डालना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखनी है, हर 1 कप के साथ 2 चम्मच तेल होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। और ये 2 चम्मच दही, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम अपने आटे के अंदर, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एकदम नरम आटा लगाएंगे, सख्त आटा नहीं लगाना, जैसा आप चपाती का आटा लगाते हैं उतना नरम आटा लगाना, उससे नरम भले ही सख्त आटा लगाएंगे तो हमारे भटूरे जो है एकदम मुलायम और फूले फूले नहीं बनेंगे, एकदम पापड़ से बनाएंगे जी। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर आपका आटा अच्छा होगा तो आपके भटूरे एकदम मुलायम जालीदार और फूले फूले बनेंगे एकदम गुब्बारे की तरह। मैं आप देखिए इस तरीके से अच्छे से मैंने सारी चीज़ें मिला ली है इसके अंदर, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम नरम आटा गूंदना है हमें, एक साथ सारा पानी नहीं डालना है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। और लगभग हमें इसमें आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगेगा, मैं 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से सामग्री लें, बस इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपका आटा अच्छा होगा, अच्छे से मला हुआ और नरम आटा होगा तो आपके जो भटूरे हैं एकदम बहुत बढ़िया बन के तैयार होंगे जी, एकदम जो बाजार में मिलते हैं उससे भी बढ़िया। ये देखिए इस तरीके से 1-1 चम्मच के करीब मैं पानी डाल रही हूँ, और इस तरीके से पहले हमें इसको इकट्ठा करना है, और फिर हमारे जो हाथों के ये वाला हिस्सा है ऐसे लोच लोच के अच्छे से इसको गूंथना है। थोड़ा सा पानी और डालती हूँ मैं, ये देखिए मेरा इतना पानी बच भी गया है, तो इसको अब अच्छे तरीके से हाथों से इस वाले हिस्से से ऐसे गूंथना है। जितना अच्छे तरीके से हम आटे को गूंथेंगे, जितना नरम हमारा आटा होगा उतने बढ़िया भटूरे बन के तैयार होंगे हमारे। और ऐसे ही हमें 3 से 4 मिनट इसको लगातार करते रहना है, ये जो चिपचिपापन है ये खत्म हो जाएगा, करते रहना है इस तरीके से, ये
ये देखिए इस तरीके से, और इस टाइम पे ये इस तरीके से हाथों पे चिपकेगा, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जी, ये ऐसे ही होता है। और इस टाइम पे आप इसको ऐसे पटक पटक के 6 से 7 बार करेंगे तो अपने आप सेट हो जाएगा। और ज्यादा चिपक रहे हैं तो थोड़ा सा तेल का हाथ लगा लें हल्का सा। और ये देखिए मेरे प्यारे वान भाइयों, एकदम हमारा जो आटा है एकदम अब हाथों पे बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। आप देखिए इस तरीके से हमें एकदम नरम आटा लगाना है बिल्कुल। अब मैं इसको थोड़ा सा और इस तरीके से हथेली वाले हिस्से से मस लूंगी, थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब मैंने तेल डाल दिया इसमें। और फिर हम इसको 3 से 4 घंटे आराम करने के लिए रख देंगे ताकि हमारा जो आटा है एकदम अच्छे से खमीर उठ जाए, फूल जाए। और अगर सर्दी है तो 5 से 6 घंटे रख दें किसी गर्म जगह पे, आटे के डिब्बे के अंदर रख दो जी, सबसे बढ़िया है, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। क्योंकि जो आटे के अंदर डिब्बे के अंदर जो गर्माश होती है उस गर्मी से हमारा जो ये भटूरे वाला आटा है बहुत अच्छे से तैयार होगा। ये देखिए इस तरीके से मेरा आटा एकदम तैयार है, ये है एकदम परफेक्ट भटूरे का आटा, और अब हमारे बहुत ही लाजवाब भटूरे बन के तैयार होंगे। अब मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ ढक के एक कपड़े से। अब मैं इस पे हल्का सा तेल का हाथ लगा दूंगी और ऐसे कपड़े से ढक के अब इसके लिए मैं 3 घंटे के लिए आराम करने के रखूंगी, फिर हमारे भटूरे हम तलेंगे। अरे बाण भाइयों, ये मेरे 3 घंटे हो चुके हैं मेरे आटे को। अब मैं अपने आटे को देख लेती हूँ, दूसरी तरफ मैंने मेरी कढ़ाई में अच्छे से तेल गरम कर लिया है। सबसे जरूरी बात होती है जी, भटूरे जब भी आप बनाते हैं जो तेल है वो एकदम खोलता हुआ एकदम हाई फ्लेम पे आपको तेज गरम रखना है। ठंडे तेल में आप भटूरे डाल दोगे तो बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे और एकदम बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे आपके भटूरे। मैं एक बार थोड़ा सा तेल का हाथ लगा के और इसको मल लगती हूँ 1 मिनट के लिए, फिर हम बेल लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारा आटा तैयार है, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा आटा तैयार होना चाहिए एकदम नरम। अब हम इसकी लोइयां बनाते हैं, इस तरीके से आपको बनानी है। ये देखिए इस तरीके से हम लोइयां बनाएंगे इसकी, बिल्कुल बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। एक छोटे अमरूद के जितने साइज की ये गोले बना लेंगे हम सारे इसी तरीके से। मैं एक बार और दिखा देती हूँ, इस तरीके से किया और इस तरीके से निकाल लिया। तो इस तरीके से हम जब लोइयां बनाते हैं तो हमारे भटूरे एकदम जो फटने का डर कम रहता है। ये देखिए इस तरीके से निकाल लें, बहुत आसान है। इसी तरीके से सारे गोले हम बना लेंगे। ये देखिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें इस तरीके से बेलना है, चकले को उठाना है, हमें अपना जो लोई है आटे को नहीं उठाना है बार बार, बेलने में दिक्कत होगी। आप चाहे तो स्लैब पे बेल सकते हैं बड़ी आसानी से, और इसमें है ना आकार की कोई दिक्कत नहीं होती कि हमें शेप की चिंता करनी होती कि भाई गोल ही बनाना है, किसी भी शेप का बना सकते हैं जी। स्वाद पे जाइए, भटूरे की शेप जो होती है वो किसी भी शेप की हो सकती है, ओवल शेप की हो सकती है, गोल बना सकते हैं। बेलना जो है वो एक समान है, कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसे नहीं करना। ये देखिए इस तरीके से किनारे कर लेते हैं सही, और ये मेरा बेल के एकदम तैयार है। आप चाहे तो थोड़ा सूखा आटा भी लगा के बेल सकते हैं, मैंने तेल लगा के बेला है। सूखा आटा लगाने से ही होता है कि जिस जो हमारा तेल होता है उसमें आटा ही आटा हो जाएगा। और ये मेरा भटूरा जो है बेल के एकदम तैयार है, और अब मैं तलूंगी अपना भटूरा डालूंगी। बहुत अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए तेल, जैसे ही हम आटा डाले हमारा तैर के एकदम ऊपर आ जाए। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने चेक किया है, ये देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छे से हमारा जो भटूरा है, हल्का सा दबा देंगे, ये देखिए एकदम गुब्बारे जैसा हमारा भटूरा फूल गया है। बहुत ही आसानी से हम घर पे बना सकते हैं, जैसे ही कढ़ाई में डाला मैंने, और ये देखिए एकदम बहुत ही सुंदर इसमें रंग आया है। ये देखिए आप घर पे कितनी आसानी से हम लाजवाब भटूरा बना सकते हैं, आप देख सकते हैं वही रंगत
वही साइज और वही एकदम गुब्बारे की तरह फूला हुआ, बिल्कुल भी तेल नहीं दिख रहा। स्लैब पे बेल के दिखाती हूँ इस तरीके से, एक जैसा बेलना, कहीं से मोटा कहीं से पतला निकलना है। मुझे तो जो स्लैब पे बिलता है इसमें बहुत आसानी लगती है, चकले पे थोड़ा साइज छोटा रह जाता है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल अपना एक जैसा बेलना है। ये देखिए जैसे मैंने बेला है। जबरदस्त एकदम वही रंग, और ये छोले भटूरे एकदम बन के तैयार हैं। और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए कितने जबरदस्त बने हैं। आप भी बनाइए, दिल से बनाइए, बहुत बढ़िया बनेंगे। जय राम जी की सारे बाण भैया ने।